अरे आ गई फोटो जी को जी जी अब इन जरा इस वाले एंगल से भी ले लीजिए जी को जी जी चेहरे पे फोकस अच्छे से कर दिया हो ना जी को जी जी एकदम फोकस प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है फेसबुक पे बिल्कुल गोदी जी गोदी जी गोदी जी गोदी जी हाँ मित्रों कुछ पत्रकार आपसे मिलने आए हैं अरे मित्रों ऊपर तो उठाओ आइए क्या है गोदी जी नमस्ते गोदी नमस्ते गोदी जी नमस्ते मित्रों गोदी जी मैं हूँ आप तक से क्या बात है तक से और आप कहाँ से हैं गोदी जी हम कांडी टीवी चैनल से कांडी टीवी चैनल ये प्राइम टाइम वाले हाँ जी गोदी जी हम आपका प्राइम टाइम डेली देखते हैं कभी तो हमारे फेवर में भी कोई खबर चला दिया कीजिए और आप कहाँ से हैं मोदी जी मैं छी न्यूज से हूँ अच्छा आप छी न्यूज से हैं जी आप तो यहाँ आके बैठ जा और आप दोनों में कहीं बैठ जाइए फर्श पर बैठ जाइए गोदी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे आप कांडी टीवी वाले हैं आप चुप रहिए आप बोलिए बेटा हाँ तो गोदी जी मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि इस बार दिवाली पे सिर्फ 8 से 10 पटाखे फोड़ सकते हैं तो इस पे आपकी क्या राय है मित्रों पूरे साल भर देश का युवा बीड़ी फूंक रहा है सिगरेट फूंक रहा है हुक्का फूंक रहा है उससे इतना पॉल्यूशन नहीं हो रहा क्या जो एक दिन में इतना पॉल्यूशन हो जाएगा हम सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निंदा करते हैं तो गोदी जी आप ये बताइए मेरे को कि एक रात में इतने पटाखे जलते हैं उससे इतना पोल्यूशन हो जाता है तो उसको कुछ खत्म करने का सुझाव है आपके पास कुछ समाधान है बताइए मेरे को मित्रों इस बार की दिवाली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत ही बढ़िया समाधान खोज निकाला है इस बार की दिवाली में 125 करोड़ देशवासी ठाए ठाए की आवाज निकालकर दिवाली मनाएंगे क्या आपको पता है यूपी पुलिस पिस्तौल से नहीं बल्कि मुंह से गोली चलाती है अरे मारो इधर 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 और मोहतरमा आप नहीं पूछेंगे हमसे कोई सवाल मैं नहीं खेल रही मुझसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है पूछो आप भी पूछो अच्छा गोदी जी मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अरे जहर लग रही है मोहतरमा जहर एकदम गोदी जी प्लीज एक क्वेश्चन है हम भी पूछ लेंगे कुछ गोदी जी ये बताइए 15 लाख रुपए कब तक आएंगे हमारे अकाउंट में चलिए मित्रों आज के लिए बहुत है मिलते हैं आप लोगों से नमस्कार मेरा नाम कमलेश कुमार दुन 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 कांडी टीवी से दोस्तों दिवाली आने वाली है भारतीय बकलोल पार्टी और खास आदमी पार्टी ने इस साल दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है आइए ये जानते हैं कि भारतीय मुट्ठी पार्टी का इस बारे में क्या कहना है दिवाली है इसलिए छोड़ रहा हूँ हैप्पी दिवाली किसी ने देखा तो नहीं आउल बाबा जी आपका हमारे चैनल पे स्वागत है उधर देख के एक बार हाई कर दो तो आउल बाबा जी ना तो आपकी केंद्र में अभी सरकार है ना तो आपकी राज्य में अभी सरकार है इसमें चुनाव कैसे जीतिएगा देखिए जिस हिसाब से बढ़ती पेट्रोल जिस हिसाब से पेट्रोल पे बढ़ती कीमत जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत अब जिस देखिए जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है उसी को नजर में रखते हुए सही बोल रहे हो सही अरे सही है बाबा सही है देखिए जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है उसी चीज को हम नजर में रखते हुए चुनाव में कूदेंगे देखिए जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है उसी चीज को नजर में रखते हुए हम चुनाव में कूदेंगे जैसे मेरे पिताजी इस देश में कंप्यूटर लेके आए अरे 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 राहुल जी आपको भी तो आपके पिताजी इस देश में लेके आए अच्छा वो सब छोड़िए जैसे दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है इस बारे में आपके क्या विचार हैं अरे राहुल जी प्रदूषण के बारे में ही तो पूछ रहे हैं धरती पे पॉल्यूशन है हाँ जी
वहाँ देख रहे हो? कहाँ? चांद पे। हाँ वहाँ घर दिलवाऊंगा सबको। तलवार है टीवी पे, ये लेवल की बगलोली कर रहा। हाँ नहीं तो ढंग से बोलो। देखिए दिवाली आने वाली है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। भारतीय बगलोल पार्टी और खास आदमी पार्टी ने तो तय कर लिया है दिवाली मनाएंगे एकदम जोरों शोरों से। अब भाई प्रदूषण तो बढ़ेगा ना, आपकी पार्टी इसमें क्या करने वाली है हमें ये बताइए। देखिए भैया इस बार तो दिवाली पे किसी को कोई पटाखे फोड़ने से नहीं रोक सकता, लेकिन इस बार मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा। कैसी? ऐसी मशीन बनाऊंगा। कैसी मशीन? ऐसी मशीन बनाऊंगा कि यहां से पटाखे डालो और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा। कूल लिखा है इधर, नहीं कूल लिखा है इधर। ए भांडिया चल छोड़ रहे इसे, चल चल बंद कर इसे। सर जी हम तो लाना चाह रहे हैं, LG ने फाइल अटका रखी है, हमारा काम अटका पड़ा है, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये केंद्र में बैठे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं सर जी आप। अरे सर ये चाय में क्या स्कैम करवा रहे हो? छोटे तीन कटिन का रह गई। अच्छा सर जी ये मैं कह रहा था कि जो अखिल भारतीय बगलोल पार्टी वाले हैं ये कह रहे हैं कि इस बार दिवाली में ग्रीन बम यूज करेंगे जिससे ना पॉल्यूशन कम होगा। अरे तो करो ना, कब से तैयार बैठे हैं, 3 साल हो गए, ये भी थक गए हम भी थक गए, करो फिर। अरे कटिन का रह गई। अरे सर जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मैं तो यार मैं तो आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूँ कि वो लोग अगर दिवाली मनाएंगे तो आपका जो वोट होगा वो उधर नहीं खिसक जाएगा। सही कह रहे हो ऐसे। बेटे छोटू इस बार हमारे सारे चमचों में ये बात फैला दो कि खास आदमी पार्टी इस बार धूमधाम से अपने समर्थकों के साथ दिवाली मनाएगी। जितने बम वो फोड़ेंगे उससे दुगने बम हम फोड़ेंगे। सर जी वो बात तो चलो आपकी ठीक है, आप डबल पटाखे फोड़ लोगे बट इससे पॉल्यूशन भी तो डबल हो जाएगा, पॉल्यूशन डबल हो जाएगा ना। अरे यही तो स्कैम है, उनके पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे पटाखों से पॉल्यूशन होगा। ये तो हमें पटाखे भी नहीं फोड़ने देंगे सर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ एक और विधायक जेल गया, ये हमें जेल में उठवा के देंगे। अरे सर चाय घर पे भी लेना।